दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही SBI ने एक नया अपडेट किया है, जिसके तहत अब आप योनो लाइट एप्लीकेशन में तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब आपके मोबाइल के अंदर आपके बैंक में रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा होगा। लेकिन मेरे पास बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं। इसका कारण यह है कि योनो लाइट में अपडेट आने से पहले लोग योनो लाइट एप्लीकेशन के अंदर केवल इजी पिन के जरिए ही लॉगिन कर पा रहे थे, लेकिन जब से ये अपडेट आ गया है तो उनको दोबारा से योनो लाइट एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, और उसके लिए चाहिए अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि बहुत से लोग भूल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊँगा कि आप अपने योनो लाइट एप्लीकेशन का भूला हुआ यूजर नेम और पासवर्ड घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग समझना ज़रूरी है कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है, सेम यही यूजर नेम और पासवर्ड योनो लाइट एप्लीकेशन में भी काम करता है, योनो SBI में भी काम करता है, और SBI के इंटरनेट बैंकिंग में भी सेम यही यूजर नेम और पासवर्ड काम करेगा। यानी तीनों ही जगहों पे यूजर नेम और पासवर्ड सेम होता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे पता करते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन होने के बाद उसके सर्च बार में टाइप करना है online sbi.com। तो देखिए, यहाँ पर online SBI का पेज ओपन हो गया है। यहाँ जो लॉगिन लिखा है, इस लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे हम अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, और इस खाली बॉक्स में इस कैप्चा को डालकर जब लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड। तो हम इस फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड को पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेज चेंज हुआ है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ से हम अपने लॉगिन पासवर्ड को पता कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन पासवर्ड पता करने से पहले हमें यूजर नेम पता करना है। तो यूजर नेम पता करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउन एरो बना है छोटा सा, इस डाउन एरो पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल गए हैं, जिनमें से यहाँ पहले नंबर पे है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, और दूसरे नंबर पे है फॉरगॉट यूजर नेम। तो पहले हम यूजर नेम पता कर लेते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड को सेट कर लेंगे। फॉरगॉट यूजर नेम के बगल में ये जो गोला है, इसमें हमें क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया फॉरगॉट यूजर नेम, नीचे लिखा है नेक्स्ट, यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हम एक नए पेज पर पहुँचेंगे, जहाँ पे हमें अपने बैंक का कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि CIF नंबर, यानी हमें अपने अकाउंट नंबर का CIF नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब कुछ लोगों को ये CIF नंबर खोजने में दिक्कत होगा, तो मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे अपने बैंक का पासबुक दिखा देता हूँ कि हमारे बैंक के पासबुक में ये CIF नंबर कहाँ पे होता है। यहाँ से हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना है तथा इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए फटाफट में ये सभी डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट का CIF नंबर डाल दिया है। ये CIF नंबर 11 अंकों का होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल दिया है, और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल दिया। यहाँ नीचे लिखा है सबमिट, हम इस सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को इस खाली बॉक्स में डाल देना है। OTP डालकर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने OTP डालकर कंफर्म पे क्लिक किया तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया, जिसमें लिखा है लॉगिन यूजर नेम हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी हमारे इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के रूप में सेंड कर दिया गया है, और यहाँ नीचे में भी
हमारे इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम शो हो रहा है। मैं आप लोगों को एसएमएस भी दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह का एसएमएस आएगा और ये है हमारे इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम। यानी इस तरीके से हम अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पता कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम तो पता कर लिया है, अब हम बैक चलेंगे और अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को सेट करेंगे और भी बैक करेंगे, यानी पूरी तरह से हम बैक हो जाएंगे। वापस से हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। पेज को थोड़ा जूम करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, तो अभी हमें इसी पर रहने देना है। इससे पहले हमने यहाँ से फॉरगॉट यूजर नेम को सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी हमें पासवर्ड को सेट करना है इसलिए हम इसी को रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से पेज चेंज हुआ है, तो पेज को हम जूम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने अकाउंट का कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया है यूजर नेम, तो इस खाली बॉक्स में हमने जो अभी अभी अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पता किया है उस यूजर नेम को यहाँ पे डाल देंगे। अकाउंट नंबर है तो इस खाली बॉक्स में अपने बैंक अकाउंट नंबर को डाल देना है। नीचे दिया है कंट्री, तो यहाँ से हम अपने कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्री कोड आ जाएगा, यानी 91 आ जाएगा। यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, तो इस खाली बॉक्स में देखिए इधर में दिया है, इसमें अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ दिया है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हमारे बैंक खाते में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देना है। नीचे में एक और ऑप्शन बचता है, देखिए यहाँ पे खाली बॉक्स है, तो यहाँ बगल में ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को इस खाली बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए पूरा डिटेल में फटाफट फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करने के बाद नीचे लिखा है सबमिट, तो हम इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस खाली बॉक्स में डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए तीन तरीका दिया हुआ है। पहला तरीका है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल, यानी आप अपने एटीएम कार्ड डिटेल को डालकर नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यानी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड बना सकते हैं। और तीसरा है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। यदि आप तीसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक रेफरेंस कोड मिलेगा, उसके जरिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं और आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड भी भूल चुके हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल, तो इसके जरिए आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे बैंक खाते में जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, यह है अकाउंट होल्डर का नाम और हमारा जो डेबिट कार्ड है वो अभी एक्टिव है। यदि आपके बैंक खाते में एक से ज़्यादा कार्ड होंगे तो सभी कार्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे, हालांकि मेरे बैंक खाते में एक ही कार्ड है इसलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से पेज चेंज होगा, जहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड नंबर है, हमारा उस डेबिट कार्ड नंबर का यहाँ पे एक्सपायर मंथ और ईयर डाल देना है और हमारे डेबिट कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है यानी जिसके नाम से अकाउंट होगा उसी अकाउंट होल्डर का नाम उस डेबिट कार्ड पे लिखा होगा, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड के 4 अंकों के पिन को डाल देना है। उसके बाद इस नंबर को यानी इस कैप्चा को इस खाली बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए फटाफट ये डिटेल में फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करने के बाद नीचे में यहाँ लिखा है प्रोसीड, तो हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर हमें वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर पेज चेंज होगा, पेज को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड,
नीचे लिखा है कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो इन दोनों खाली बॉक्स में हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग का नया पासवर्ड बना लेना है। और नया पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ नीचे में सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर या ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। और पासवर्ड में नंबर, अल्फ़ाबेट तथा स्पेशल कैरेक्टर, इन तीनों का मिक्सअप होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अपना पासवर्ड कैसे बनाता हूँ, आप भी इसी तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। और इन दोनों ही बॉक्सों में सेम पासवर्ड डालना है, ये नहीं कि ऊपर कुछ और डाल दें नीचे कुछ और, सेम पासवर्ड होना चाहिए, यानी एक ही पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ लिखा है सबमिट, हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड बनाकर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा जहाँ पे लिखा है योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, यानी हमने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट कर लिया है, यानी हमने यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ने पता कर लिया है तथा पासवर्ड को भी रीसेट कर लिया है। अब हम अपने इस यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड के जरिए योनो लाइट एप्लीकेशन या फिर योनो SBI एप्लीकेशन, दोनों ही जगह पे हम इसी यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए SBI के इंटरनेट बैंकिंग में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपने भूले हुए यूजर नेम और पासवर्ड को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो लोग कमेंट कर रहे थे उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।